हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में जिसमें बात करने वाले इंडियन कोस्ट गार्ड स्टेज टू के बारे में। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आज क्या क्या हुआ सेंटर पे फुल रिव्यू करेंगे। और ये आज का ये 17/11/2021 और इनका हो गया है सिलेक्शन। तो सारे डाउट क्लियर करने वाले हैं एक ही वीडियो में, जो भी डाउट बनता है। और ये सेंटर से सारे यहाँ पे फोटो वगैरह सब कुछ आपको दिखाई देगा, मतलब कि सेंटर पे इन्होंने फ़ोटो वगैरह सब कुछ खींच रखा है। तो वहाँ पे हम आपको सारा कुछ दिखाने वाले हैं व्हाट्सएप पे ले जाके। तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, स्किप मत करिएगा, ताकि आपसे कोई भी पॉइंट छूटे नहीं और जो भी आपका डाउट बनता है। क्योंकि कल भी आपका फेज़ टू चलने वाला है, 16, 17, 18 तीन दिन चलने वाला है। आज दो दिन तो कंप्लीट हो गया, कल भी जिन बच्चों का है उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा इस वीडियो से। तो वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत करिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, मेरा नाम है परमजीत और आप देख रहे हैं परमजीत क्लासेस यूट्यूब चैनल। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए, ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जरूर ऐड हो जाएगा। कोई भी अपडेट होता है तो छोटा बड़ा सबसे पहले हम आपको अपडेट कर देते हैं, उसके बाद ही कोई वीडियो को बनाया जाता है। सो वहाँ पे आप जरूर रहें। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो अदर वैकेंसी रिगार्डिंग या फिर कोस्ट गार्ड के रिगार्डिंग, कोई भी फिजिकल मेडिकल या डॉक्यूमेंट रिगार्डिंग, तो आप कमेंट बॉक्स में आस्क कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट हमें व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हैं। और एक नंबर और भी लिख सकते हैं, इस पर भी मैसेज कर सकते हैं, 7563830146। और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे भी आप ऐड हो सकते हैं। तो चलते हैं लेके व्हाट्सएप पे, वहीं पे आपको सब कुछ डिस्कस कर लेते हैं। तो हम आ चुके हैं व्हाट्सएप पे। जैसा कि आपको यहाँ पे हमने लिख रखा है, इनका नाम नोएडा 17B करके, नोएडा से हमने ग्रुप बनाया था, जैसे नोएडा का, तो हमने नोएडा जो भी थे बच्चे नोएडा का, नोएडा 17, नोएडा 16, मतलब 16 मतलब जिनका 16 को था, 17 मतलब 17 का, नोएडा 17 दो बच्चे थे। तो ए में एक लिखा था ए और एक बी था, तो ये बी वाले हैं। और इनका नाम हम बता देते, इनका नाम विकास है, इनका नाम विकास है। फोटो वगैरह सब कुछ जैसा कि आपको थंबनेल पर दिखाई दिया वैसे ही आपको, और यहाँ पे देख सकते हैं इन्होंने बताया मेरा फिजिकल नोएडा में है और ये नोएडा सेंटर का है। तो जो भी बच्चे नोएडा के से हैं, कल जिनका है नोएडा में, वो कि उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प होगा और बाकी बच्चों के लिए हेल्प भी होगा, क्योंकि सारे सेंटर पे लगभग सेम वही प्रोसेस रहता है। इनका इन्होंने मैसेज किया हमको 12:19 पर, बोले हो गया भाई नॉर्मल है सब कुछ, मतलब कि डॉक्यूमेंट में निकाल रहे हैं ज़्यादा, सबसे ज़्यादा आपका किसी भी आप सेंटर पे चले जाइए, चाहे वो गुजरात गांधीनगर चले जाइए या फिर आप कोलकाता में चले जाइए, नोएडा में, चेन्नई में, विशाखापट्टनम, गोवा, जहाँ पे भी आप जाइएगा सबसे ज़्यादा कोची, आपको सबसे ज़्यादा डॉक्यूमेंट में, और डॉक्यूमेंट में सबसे ज़्यादा किस पे, कास्ट सर्टिफिकेट में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, कास्ट सर्टिफिकेट में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, सबसे ज़्यादा बच्चे आउट हो रहे हैं, 50-60% स्टूडेंट किस में आउट हो जा रहे हैं, कास्ट सर्टिफिकेट को लेके, क्योंकि उनका डेट ही कुछ का मतलब जैसे। और इसमें मांगा क्या जा रहा है कि आपका 16 तारीख से पहले, मतलब 16 जुलाई से पहले का आपका क्या होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो भी सेंट्रल का। तो ये सबसे ज़्यादा डाउट बन रहा है। और जैसे यहाँ पे लिख रखा है मेरे ग्रुप में 8 बच्चों का फिजिकल में फेल हुए, मतलब इनका जो ग्रुप था उनमें 8 बच्चे को फेल कर देगा फिजिकल में। और भाई ने फ़ोटो भी भेज दिया, जैसे कि हमने बोला था फ़ोटो भी जो वीडियो भेजने के लिए, तो ये आप फ़ोटो देख सकते हैं, ये वहीं का सेंटर का फ़ोटो है, कोस्ट गार्ड नोएडा का, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये नोएडा सेंटर का ही है, बाहर का पिक है आप पूरा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नोएडा का पिक्चर है। और उसके बाद एक और पिक्चर है, और ये फ़ोटो जैसे हमने थंबनेल पर लगा रखा है, इन्होंने ही सेंड किया था, और बाकी का कुछ और फ़ोटो नहीं है। अब आपको आपको और कुछ दिखा देता, ये फ़ोटो तो आपने देख लिया, और नीचे चलते हैं। और अभी क्या हो रहा है, जब हमने इनसे पूछा तो भाई मैं सेंटर पे नहीं हूँ, अभी आ लिया वहाँ से, मतलब कि वहाँ से चले आए थे, ये 2 बज के कुछ समथिंग इनका हो गया था। और आप अपना एक वीडियो रिकॉर्ड करके भेजिए क्या क्या हुआ आज, बहुत हेल्प मिलेगा बच्चों को। मैंने इनसे बोला था कि एक वीडियो बना के भेज दीजिए, बट उनको थोड़ा सा मान लीजिए सेंटर पर से थोड़ा हारा, तो वो बोले बाद में, मतलब हम भेज देंगे उनको, हमने कॉल भी किया था। ये फ़ोटो भी उन्हीं का है, आप देख सकते हैं। और उसके बाद कितने बजे रिपोर्टिंग था, तो भाई को इन्होंने बताया कि 7:30 पे अंदर कर दिए थे, क्योंकि 8 बजे आई थिंक रिपोर्टिंग था, तो 7:30 में इनको अंदर कर दिया गया था, 9-10 बजे से फिजिकल करा दिए हैं। और RT-PCR जैसे हमने पूछा कि RT-PCR रिपोर्ट चेक हो रहा है, तो हाँ बाहर गेट पे ही होता है बस, मतलब कि बाहर गेट पे ही
सिर्फ इंट्री के लिए, और यह है आरटीपीसीआर रिपोर्ट, अंदर इसका कोई मायने नहीं, सिर्फ इंट्री के लिए। अगर आपके पास, अगर आपने कोरोना का सर्टिफिकेट आपके पास है, आपने दोनों डोज लिया है, वैक्सीन लिया है, तो आपको उस पर भी इंट्री कर दिया जा रहा है। अगर आपके पास एंटीजन का है तो भी आप मतलब कि आपको अलाउ कर दिया जाएगा। एसएमएस है या नहीं है, एसएमएस है या नहीं है, फिर भी आपको अंदर जाने दिया जा रहा है, ये एक अच्छा बात है। इसमें भी आउट कर रहे थे, हाँ, तो यहाँ पे बताया गया कि यहाँ और बहुत से सेंटर पे बताया गया कि नहीं। और अंदर जाने के बाद क्या हुआ, सबसे पहले तो डॉक्यूमेंट देखते हैं और बस, और फिर फिजिकल कराते हैं, बाद में सारे डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन होता है। पहले आपका जैसे कि डॉक्यूमेंट वगैरह कुछ नॉर्मल चेकिंग होता है, और बाद में डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन होता है फिजिकल होने के बाद ही। फिजिकल में क्या, आपको जैसे हमने पूछा रनिंग जो हुआ कहाँ पे, रोड पे हुआ या ग्राउंड पे, तो उन्होंने बताया रोड पे एक चक्कर 1200 का, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं एक चक्कर 1200 का, फिर एक चक्कर 400 मीटर का हुआ। उसके बाद रनिंग में कितने आउट हुए हमने पूछा, तो मेरे को तो इनके ग्रुप में 8 बच्चे आउट हो गए। और उसके बाद फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, जैसे इन्होंने बताया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और इनके बाद हमने पूछा आपका क्या हुआ है, मतलब कि इनसे हमने अभी हमने पूछा है कुछ देर पहले 9 बजे, क्योंकि हम घर पे थे नहीं, डॉक्टर के पास गए थे, तो इसके लिए थोड़ा सा वीडियो लेट से शूट कर पाए। तो इन्होंने बताया अभी मैसेज 9 बज के कुछ समथिंग मिनट, जैसे 9 बज के 7 मिनट पर इन्होंने बताया कि हो गया फिजिकल। और यहाँ पे हमने फिर से पूछ लिया आपका फाइनली हो गया, तो हाँ इनका फाइनली हो गया है। तो इनको हमने कांग्रेस वगैरह सब कुछ भेज दिया है। चलिए दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और टेलीग्राम व्हाट्सएप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे ज़रूर ऐड हो जाएगा, सारे अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।